करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। ये सदा सत्य बोलते थे। ये सदा कैसे बोलते थे? सत्य, सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने हमारे देश भारत को स्वाधीनता दिलाई। सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने हमारे देश भारत को स्वाधीनता दिलाई। बच्चों, उपयुक्त जो आपने ये अनुच्छेद पे जो अंडरलाइन हो रही है, ये जो अंडरलाइन हो रही ना, नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म गुजरात राज्य पोरबंदर नगर, सत्य, सत्य और अहिंसा, बल, देश भारत और स्वाधीनता, ये जो सभी शब्द है ये क्या है? संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा के नाम है। क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा के नाम है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। एक बार वापस देखिए, गांधी जी, नाम मोहनदास करमचंद, जन्म गुजरात पोरबंदर नगर, सत्य, सत्य और अहिंसा, देश भारत और स्वाधीनता। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा के नाम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा के नाम है। व्याकरण में नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। व्याकरण में ही नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे अंकुर,
नाम राज्य क्या है, व्यक्तियों के नाम भारती। यह है व्यक्तियों के नाम, किसके नाम है, व्यक्तियों के किसके वास्तविकों के नाम, मंदिर, पार्क आदि। इसके बाद है प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में जैसे डॉक्टर है, किसान है, सिपाही है। प्राणियों में डॉक्टर, किसान, सिपाही। इसके बाद पशु पक्षियों, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम जैसे तोता, मैना, गरीबी है, मिठास है, बचपन, गरीबी, मिठास, बचपन, गरीबी, मिठास और बचपन। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तीन। कितने भेद होते हैं, तीन। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्ति में जैसे आपके नाम लिखो, आप अमन, अमन व्यक्ति है, रमन, राधा, ठीक है ना। व्यक्ति में व्यक्तियों के नाम आने जैसे अमन है, रमन है, राधा आदि। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक, दूसरा कौन सा है, जातिवाचक। पहला व्यक्तिवाचक हो गया, दूसरा जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़का क्या है, जाति, लड़की, लड़का, लड़की, गांव, नगर, नगर, गांव, घर,
भेदभाव, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी आदि। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? संज्ञा की विधियां होते हैं तीन, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम आएंगे, जैसे अमन है, रमन है, राधा है आदि। ठीक है, उसके बाद दूसरा जातिवाचक, जाति में जाति आ जाएगी, जैसे लड़का है, इसको हम सभी लड़कों के लिए लड़का एक जाति होगी, तो लड़का है, लड़की है, सभी नगरों का एक नगर हो गया, गांव हो गया, घर हो गया, ये सभी क्या है? जातिवाचक। दूसरा है भाववाचक, तीसरा है भाववाचक। भाववाचक में आपकी गरीबी है, अमीरी है, बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी, ये सभी क्या है? भाववाचक। क्या है ये? भाववाचक। संज्ञा की इन तीनों भेदों को अच्छे से आप सभी ने समझ लिया बच्चों? आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा संज्ञा के भेद। ओके, थैंक यू।